नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगलों की आग विकराल होती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में आग की 11 घटनाएं सामने आई है। वहीं फायर सीजन में अब तक 1600 हेक्टेयर एरिया आग से प्रभावित हुआ है और वन संपदा को भी भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं। अब तक 1600 हेक्टेयर एरिया आग से प्रभावित हुआ है। इस फायर सीजन में वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बीच बीच में इस वन संपदा को लेकर और फायर सीजन को लेकर समीक्षा भी होती रही, लगातार बातचीत भी होती रही, लेकिन जंगल में जो आग लग रही है उसकी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। और उत्तरकाशी में धरासू रेंज में गांव के पास के जंगल रात भर धधकते रहे, जिसकी वजह से रात भर गांव के लोग दहशत में रहे। वहीं आग से लाखों की वन संपदा भी खाक हो गई है। वन विभाग के कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गांव के पास के जंगल में आग लगी। गांव तक ये आग ना पहुंच जाए, इसलिए रात भर जो ग्रामीण थे काफी परेशान रहे। धरासू रेंज में ये जंगल धधक रहे हैं। हालांकि बाद में किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। और कुमाऊं में भी जंगल की आग फिर से बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा में फायर सीजन में 350 जंगल में आग लगी, जिसमें अभी तक 545 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुआ है। वहीं जंगल की आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही फायर सीजन में आग से अब तक 5 लोगों की मौत भी हो गई है। तो एक तरफ ये आग जंगलों को जला रही है, तो दूसरी तरफ लोगों की जान भी ले रही है। वन संपदा को भारी नुकसान तो पहुंचा ही है, साथ ही साथ इस आग में 5 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। अभी तक हमारा सर्कल में इस साल 350 इंसिडेंसेस रिकॉर्डेड है। और जो जियो के अनुसार जो अनुमानित डैमेजेस है वो 13 लाख का डैमेजेस रिपोर्टेड है अभी। एंड टोटल अराउंड 545 हेक्टेयर्स का फायर से अफेक्टेड है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट और सिविल वन पंचायत फॉरेस्ट में। और देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। देहरादून में कल का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि आज भी मैदानी जिलों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि 1 और 2 जून को आंधी तूफान और तेज हवाओं के चलते राहत जरूर मिल सकती है। पहाड़ों पर भी हल्की बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं प्रचंड गर्मी में लोगों का भी एहतियात बरतने को कहा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जरूरी ना हो दोपहर के समय बाहर ना निकले, इससे बचें। तो वहीं फास्ट फूड बासी खाना खाने से भी लोगों को बचने की सलाह दी गई है। जबकि पानी पीने के साथ साथ सीजनल फल जरूर खाएं, डॉक्टरों का ऐसा कहना है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से डिहाइड्रेशन बुखार हो सकता है। इसलिए खान पान के साथ साथ रहन सहन पर भी खासा ख्याल रखने की जरूरत है। और चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यहां पर भारी भीड़ के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक लेटर लिखा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 10 जून तक चार धाम यात्रा में वीवीआईपीस के नहीं आने की बात कही है। साथ ही सभी राज्यों के ऑफिसर्स से भी चार धाम यात्रा को टालने के लिए कहा है। उत्तराखंड में हर रोज चारधाम यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है और इस साल हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। इसमें व्यवस्थाएं बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी मुख्य सचिवों को लेटर लिखकर ये बातें रखी है। और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। चारों धामों में अभी तक कुल 14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां अभी तक की बात की जाए तो 5,70,000 भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ में अभी तक 3,02,000 यात्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में 2,50,000 और गंगोत्री धाम में 2,43,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। चार धाम यात्रा में पहुंच रहे यात्रियों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों धामों के लिए अब तक 35 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
और हम आपको बता दें कि उत्तरकाशी में होटल एसोसिएशन ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद होटल कारोबारियों ने इसे स्थगित कर दिया। दरअसल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भारी भीड़ उमड़ आई है, जिससे शुरुआती दिनों में भारी समस्या हुई। इसके बाद प्रशासन ने धाम में भीड़ कम करने के लिए यात्रियों को जगह जगह रोकना शुरू कर दिया, जिससे धाम में भीड़ तो कम हो गई लेकिन होटल कारोबारी से नाराज हो गए। कारोबारियों ने तर्क दिया कि ऐसा करने से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। वहीं होटल एसोसिएशन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द खोलने की मांग भी सरकार से की है। और अब पहाड़ों में भी पानी की किल्लत हो रही है। जी हां, चमोली में लगातार पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। वहीं यात्रा मार्ग में भी पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के टैंकर सूखे पड़े हैं और यात्री परेशान हो रहे हैं। हालांकि विभाग जल्द ही व्यवस्था सुधारने का दावा जरूर कर रहा है। इस वक्त काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पहाड़ी इलाकों में भी तापमान अपने सामान्य से ऊपर ही बना हुआ है। ऐसे में जो यात्रा मार्ग है वहां पर पानी की टंकियां तो जरूर रखी गई है लेकिन वो सूखी हुई है। यात्रियों को पानी की दिक्कत सता रही है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आगे इसे जरूर सुधार लिया जाएगा। चारों धाम के मुख्य पड़ाव में जिस तरीके से पानी की किल्लत है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, ये टैंक जल संस्थान के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन जब से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं तब से बताया जा रहा है कि इसमें एक भी बूंद पानी नहीं टपका है। आप देखिए, आपको यहाँ पे प्लास्टिक कुछ बोतलें जरूर दिखाई दे रही होंगी और ये वो यात्रियों की बोतलें हैं जो चारों धाम की यात्रा इस दौरान कर रहे हैं, पानी भरने के लिए यहाँ पे आए होंगे, लेकिन इस पे देखिए आप, एक भी बूंद पानी नहीं है और ये बोतलें आपको इस तरीके से यहाँ पे गिरी पड़ी मिलेगी। चारों धाम की यात्रा चरम पर है। विभागों को जिस तरीके से पहले से निर्देशित किया जाता है कि पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं बहाल की जाए, लेकिन जब धरातल की बात होती है तब इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। और 4 जून को मतगणना होनी है। उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे पहले किस सीट का परिणाम सामने आएगा और किस सीट के परिणाम जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। किस जिले में सबसे ज्यादा काउंटिंग टेबल होगी, ये सब जानने के लिए जरा देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए 4 जून को 13 जिलों में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्ट बैलेट की गिनती शुरू होगी और फिर 8:30 बजे से ईवीएम का खुलना शुरू होगा। उत्तराखंड में 93,000 सर्विस वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक पौड़ी जिले में 34,000 वोटर्स हैं। उसके बाद अल्मोड़ा जिले का नंबर आता है, जहां 29,000 सर्विस वोटर हैं। आयोग को अभी तक 57% पोस्टल बैलेट प्राप्त हो चुके हैं। पौड़ी में सबसे अधिक पोस्टल बैलेट वोट होने के कारण आयोग का अनुमान है कि सबसे लेट में पौड़ी का परिणाम आ सकता है। क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया जटिल होने की वजह से इसमें समय लग सकता है। यहां टेबल कम होने के कारण सबसे ज्यादा 23 राउंड में मतगणना होगी। सबसे पहले टिहरी सीट का परिणाम आने की संभावना है, क्योंकि इसकी गणना 3 जिलों में होगी। क्योंकि हरिद्वार और गढ़वाल, ये दोनों हमारा थोड़ा डिले हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि सबसे पहले अल्मोड़ा, क्योंकि वहां पर पोस्टल बैलेट ज्यादा है, थोड़ा डिले आ जाएगा। सो टेरी गढ़वाल पहला आने की संभावना है। आयोग ने काउंटिंग में लगने वाले कार्मिकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है। पॉलिटिकल पर्पस के साथ आयोग इसी हफ्ते मीटिंग कर उन्हें पूरी प्रक्रिया समझा चुका है। लोकसभा सीट की मतगणना विधानसभा वार्ड शुरू होगी। काउंटिंग के लिए देहरादून में सबसे अधिक 140 टेबल लगेगी, जिसमें 17 राउंड में मतगणना पूरी होगी। उधम सिंह नगर में 126 टेबल लगाई जाएंगी, जिसमें 15 राउंड में मतगणना होगी। चमोली और पौड़ी में 15-15 राउंड, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 14-14 राउंड, नैनीताल अल्मोड़ा में 16-16 राउंड में मतगणना पूरी होगी। उत्तरकाशी में 19, पिथौरागढ़ में 11 तो चंपावत में 13 राउंड में मतगणना होगी। 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं
और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1-2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। कुल मिलाकर लोकसभा की 5 सीटों के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों में मतगणना होगी। प्रदेश भर में इसके लिए 91 हॉल में 884 टेबल की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि दोपहर 2 बजे तक लगभग सभी सीटों का परिणाम घोषित हो जाएगा और शाम 4 बजे तक विनिंग कैंडिडेट को परिणाम पत्र सौंप दिए जाएंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। बीजेपी को यकीन है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर वो जीत हासिल करने जा रही है, तो बीजेपी ने विधायकों और बूथ अध्यक्षों का सम्मान करने का प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सबसे ज्यादा वोटिंग वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को और इसी तरह बूथ लेवल पर अध्यक्षों का भी सम्मान किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अभी 4 जून तक इंतजार करना चाहिए। ऐसी विधानसभा जिस विधानसभा 80% ज्यादा पोल भारतीय जनता पार्टी में होता है वहां के सम्मान्य विधायक जी को हम सम्मानित करने वाले हैं। ऐसा बूथ जहां 90% ज्यादा पोलिंग भाजपा के पक्ष में हुई है, ऐसे पोलिंग बूथों के जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ के पालक हैं, उनको हम सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री से संद वार्ता हुई है और 4 तारीख के बाद जैसे चुनाव परिणाम आएंगे उसके कार्यक्रम की तिथियां भी घोषित करेंगे। ऐसा है, महेंद्र भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष को संगठन के हिसाब से जो तैयारियां उन्हें उचित लगती हों करनी चाहिए, उसमें हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि हम जीत चुके हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें जो नियम है, जो कानून है, जो नीतियां हैं, जो प्रोसीजर है, उस पर विश्वास नहीं है। और 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जनता के सामने होगा और इसी 4 जून को उत्तराखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्री का भविष्य भी तय हो जाएगा और रिजल्ट तय करेगा कि कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री 4 तारीख के बाद किस रोल में होगा। जरा देखिए रिपोर्ट। चार जून का इंतजार पूरे देश को है। जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आएगा, 4 जून को कोई संसद पहुंचेगा तो कोई घर बैठेगा। इसी 4 जून पर उत्तराखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी भविष्य टिका है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत, इन 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की भविष्य की राजनीति 4 जून के फैसले पर टिकी है। उत्तराखंड में 4 साल मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद हरिद्वार सीट से उम्मीदवार हैं। जीत मिली तो 5 साल संसद में बैठेंगे, लेकिन हार की सूरत में भविष्य पर सवाल उठेगा। त्रिवेंद्र रावत विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा के लिए पहली बार मैदान में हैं। हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भले चुनाव कांग्रेस के वीरेंद्र रावत लड़ रहे हैं, पर असल में ये चुनाव पूर्व सीएम हरीश रावत की साख और भविष्य का चुनाव है। वीरेंद्र रावत चुनाव जीते तो हरीश रावत की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ेगी, लेकिन हार पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने कई सवाल खड़े कर देगी। नेता विपक्ष और राज्यपाल छोड़कर हरीश रावत सभी पद संभाल चुके हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के वक्त उनकी उम्र 79 साल होगी। इसलिए 4 जून के नतीजे कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत का कद और पद तय करेंगे। जब तक कांग्रेस विजयी नहीं हो जाती है तब तक हरीश रावत मैदान में डटा रहेगा। राजनीति केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है, चुनाव लड़ाना भी तो राजनीति है। पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, विजय की तरफ लेकर के जाएंगे। मैं हार के साथ पीछे नहीं हट सकता, जीत के साथ पीछे हट सकता। हरीश रावत कांग्रेस के इकलौते पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 4 जून को बीजेपी में त्रिवेंद्र रावत के साथ तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक के भविष्य का भी सवाल है। ये दोनों नेता विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद रह चुके हैं, पर इस बार टिकट कटने के बाद दोनों का करियर दांव पे लगा है। फर्क बस इतना है कि अपने राजनीतिक करियर में निशंक प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे तो तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। ऐसे में निशंक और तीरथ सिंह रावत के सामने विकल्प सीमित है।
बीजेपी सत्ता में लौटी तो हो सकता है कि पार्टी इन्हें प्रदेश या राष्ट्रीय संगठन में पद दे या कहीं राज्यपाल बनाकर भेज दे। वही आखिर में सिर्फ 2027 विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का विकल्प बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने रहेगा। देखिए, सरकार बनने के बाद हर कार्यकर्ता के लिए व्यवस्था बनाना पार्टी नेतृत्व का काम रहता है। जिसके योग्य जो कार्यकर्ता पार्टी उसको स्थान देती आई है। अभी तक भी उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को सम्मान देने का केंद्र नेतृत्व काम किया है। अब भविष्य में आप देखेंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता जो जिसके योग्य है उस स्थान पर उसको बिठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत हैं, उन दोनों के भाग्य में क्या किसी प्रदेश का राज्यपाल बनना लिखा हुआ है अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है? और त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उनका कद कितना बढ़ेगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और हरीश रावत और उनके बेटे का क्या होगा, अगर हरीश रावत का बेटा चुनाव जीत जाता है तो कांग्रेस में उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर वो हार गए तो कांग्रेस में वो हाशिए पर चले जाएंगे। साफ है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रह चुके इन चारों नेताओं के लिए 4 जून का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा। जहां त्रिवेंद्र रावत और हरीश रावत का भविष्य हरिद्वार का रिजल्ट तय करेगा, तो निशंक और तीरथ सिंह रावत का भविष्य 4 जून के बाद बनने वाली सरकार पर टिकी है। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। और आप देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। रामनगर फलपट्टी क्षेत्र में बिना मंजूरी के आम और लीची के सैकड़ों पेड़ काट दिए गए, प्रशासन ने जांच के बाद केस दर्ज करने की बात कही। नैनीताल में गुरुवार शाम को बारिश के बाद 7 नंबर क्षेत्र में एक मकान के ऊपर पेड़ गिर गया, मकान के अंदर 7 लोग थे। एसडीआरएफ टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट को लेकर लोगों के शहीद स्थल पर किया धरना। अल्मोड़ा में गर्मी के मौसम में जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, अब सिर्फ जिला अस्पताल की ओपीडी 500 के पार जा रही है। बागेश्वर में कांडा काफली गैर के जंगलों में फिर आग लग गई, वन विभाग ने आग कंट्रोल करने का दावा किया। अल्मोड़ा में हवाल बाग के जंगलों में फिर आग लग गई, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी के पास बाड़ाहाट के मुखेम रेंज में जंगलों में लगातार आग की घटना सामने आ रही है, जिससे चारों तरफ आग से धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड और यात्रा रूट में पानी की समस्या बढ़ रही है, जल संस्थान इसे ठीक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए अल्मोड़ा में प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। चमोली में काउंटिंग के लिए प्रशासन ने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है।